और सॉरी गाइज, आज मेरा थोड़ा गला बैठा हुआ है क्योंकि मैं थोड़ा बाहर कहीं घूमने के लिए गया हुआ था कुछ काम से ही, और वहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा चेंज था तो जिसकी वजह से मेरा गला थोड़ा बैठ गया हुआ है। इसके लिए आपको शायद मेरी आवाज़ सही से नहीं सुनाई दे रही होगी, इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। आज मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ, और मैं आपको स्टोरी इसलिए बताऊंगा जिससे आप अपने प्रॉब्लम को सही से रिलेट कर पाओ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या टॉपिक है और कैसे हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, क्योंकि पहली स्टोरी है राम और मोहन नाम के दो लड़के थे, जहां राम अपने बहुत सारे ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करता था, जस्ट लाइक नए नए कपड़ों को खरीदने में, मार्केट में अगर कोई नई बाइक है उसको लेने में, या फिर अगर कोई नई मोबाइल आई है एप्पल की। वहीं मोहन बहुत ही समझदार था, वो जो भी पैसे कमाता था उसमें से वो 15-20% सेविंग करता था। जब उसके पास एक अच्छा खासा रकम सेव हो जाता था तो वह उसे इन्वेस्ट कर देता था, जो कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो टाइम के साथ उसकी प्राइस बढ़ती थी, मतलब कि ऐसी कोई कमोडिटी जो टाइम के साथ अपने वैल्यू को बढ़ाए, ऐसी ही कुछ चीज़ों में वह इन्वेस्ट करता था। अब राम और मोहन को ऐसा करते हुए 15-20 साल गुजर गया था, तो जहाँ पर अब राम अपने नॉर्मल लाइफ को ही जी रहा था, जैसे कि 9-to-5 जॉब पे जाना और कभी कभी पैसों की तंगी को भी झेलना, और वहीं मोहन अब घर बैठकर भी अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, क्योंकि उसने अपने शुरुआती दिनों में पैसे को इन्वेस्ट किया था जिसका अब उसे इंटरेस्ट आ रहा था, और वह अपने लाइफ को इंटरेस्ट से ही अच्छे से गुजर बसर कर पा रहा था। तो अब आखिर ऐसा क्या चीज़ है जो इन दोनों के लाइफ को इतने डिफरेंस बनाता है? तो जहाँ पहले शुरुआती दिनों में राम, जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको स्टोरी में, वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता था, अपने पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं करता था, और अपने खाली समय को अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने और बाकी का समय गॉसिप करने में निकाल देता था। उसने कभी भी अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया कि वह अपने ऊपर इन्वेस्ट करे, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स पे, अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जो उसके लाइफ को बेहतर बनाए, उसने ऐसा कभी भी नहीं किया। वहीं मोहन, वह जानता था कि वह शो अप तो थोड़े समय बाद भी कर सकता है, लेकिन अगर उसने अपने शुरुआती दिनों में एक अच्छा खासा पैसे इनकम सोर्स बना लिया है तो वह उसे बाद में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके लिए अगर कभी उसकी जॉब चली भी जाती है तो उसको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा, क्योंकि उसने अपना पैसे इनकम सोर्स बनाया हुआ है जिससे उसका पैसा कहीं ना कहीं से आता रहेगा। और इसके साथ ही उसने अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, जैसे उसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी पर्सनल डेवलपमेंट पे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, और वह देखता था कि ऐसी आज के डेट में क्या रिक्वायरमेंट है जो उसको सीखना चाहिए और जिसे वह सीखकर अपने लाइफ को और बेहतर बना सकता है। जैसे कि उसने इन्वेस्टमेंट पे बहुत ही ज़्यादा अपना समय लगाया और वह उसको बारीकी से सीखा, देन उसके बाद उसने उसमें इन्वेस्ट भी किया जिसका अब उसे फ़ायदा भी हो रहा है। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको दो स्टोरी बता दिया है, अब आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि हम बहुत ही ज़्यादा पैसे क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि आज हम इंडियन हमेशा पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं, जिसके कारण हम कभी भी अपने ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाते। यहाँ तक कि कभी कभी तो हम अपने डेली लाइफ के ज़रूरतों को भी संपूर्ण रूप से पूरा नहीं कर पाते हैं। तो आखिर क्या है, क्या है वो रीज़न? तो जहाँ तक मैं जानता हूँ, उसका मेन कारण है हमारा शो ऑफ करना। आज बहुत सारे युवा वर्ग के लोग ऐसा ही करते हैं, वे लोग कोई महंगी चीज़ खरीद लेते हैं, वो भी EMI पर, फॉर एग्ज़ाम्पल बाइक, मोबाइल, और दूसरों को दिखाने के लिए महंगे महंगे कपड़े जिनका शायद ही उनको ज़रूरत होगी। अब ये सारी चीज़ें हम अपने को खुश रखने के लिए करते हैं, लेकिन आप एक बार ज़रूर सोचें कि क्या सच में ये इतना ज़रूरी है, क्योंकि असली खुशी तो हमारे अंदर होता है। इसलिए
मायने तो ये रखता है कि आपकी मोस्ट ज़रूरी चीज़ें क्या क्या है, कि जो बाद में आपको फाइनेंशली मदद करेगा और आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशली फ्रीडम भी अचीव कराएगा। वहीं हम अब दूसरी ओर अपने खाली समय को नेटफ्लिक्स मूवी या फिर अपने दोस्तों के साथ बकवास करने या फिर घूमने फिरने में लगा देते हैं, तो आप भला सोचो कहाँ से आप पैसे कमा पाओगे। और ये बिल्कुल ही सच बात है, क्योंकि कुछ सालों पहले मैं भी यह सब करता था। हालांकि अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे अब पता चल चुका है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर बताया वो हमें कुछ समय तक तो खुश रख सकता है, लेकिन वह हमें पूरे लाइफ में कभी भी खुश नहीं रख सकता, क्योंकि इससे पहले हमने कभी भी अपने ऊपर कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया है। हमने वो सारी चीज़ों पे पैसे खर्च किए जो हमें टेम्परेरी खुशी दे रहा था, जबकि हमें अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए था। अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स में अच्छे नहीं हैं तो हमें उस पर कोई कोर्स लेना चाहिए था या कोई सेमिनार अटेंड करना चाहिए था, जिससे हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को और बेटर बना पाए। क्योंकि आज के डेट में कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। अगर आप कम्युनिकेशन में अच्छे नहीं हो तो आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर सकते, क्योंकि आज अगर हमें अमीर बनना है तो हमें बिजनेस ही ओपन करना पड़ेगा, चाहे अब वह ऑनलाइन बिजनेस हो या फिर फिजिकल, जैसे कि हम किसी शॉप को या कोई शोरूम खोलते हैं। लेकिन हमें वहाँ पे भी कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूर ही उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। सो गाइज, मैंने अपने ऐसे बहुत सारे अपने घर में भी देखा हुआ है कि वे अपने सारे खाली समय को मूवी देखने या फिर पॉलिटिक्स में क्या क्या हो रहा है उन सारे चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और उन्हें कभी भी अपनी लाइफ का ख्याल नहीं रहता है कि वे क्या कुछ नया करें कि जिससे उनकी लाइफ और भी बेहतर हो सके। वे हमेशा पैसों के लिए रोते रहते हैं कि बॉस उनका सैलरी नहीं बढ़ा रहा है, जिससे उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। जबकि उन्हें अपने ऊपर काम करना चाहिए तो उन्हें किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की कोई भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हैं तो आप ऐसी बहुत सारी सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करोगे जिसके लिए आपको अपने बॉस पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। अगर आपका अच्छा खासा इनकम इन सारे सोर्सों से हो रहा है तो आपको जॉब भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप उस समय को अपने फैमिली के साथ दे सकते हो, जिससे आप अपने लाइफ में खुश रहो और आपका परिवार भी आपके साथ खुश रहे। सो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप अब जान चुके हैं कि आप कैसे अपने आप को और बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने को नहीं बदलेंगे तब तक आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा और वह बद से बदतर हो जाएगा। इसलिए आप अपने आप को बदले और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें और उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करें। ऐसा नहीं कि आपने सीखा तो बहुत सारा चीज़ है, पढ़ा भी बहुत सारा चीज़ है, बट वो अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने लाइफ में कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं आप अपनी लाइफ को बेहतर नहीं बना सकते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। आप और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने लाइफ को और बेहतर बना पाए। बाकी आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।